नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आइए दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। जनपद कुशीनगर के सुकरौरी ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सुखड़ में ममता सिंह जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, जो अपने संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं को कंबल वितरण करते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ उनके सहयोगी शिव दयाल जी उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं, ऐसे गौतम जी भी, प्रसाद जी भी उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं, और इस ग्राम सभा के जो वर्तमान के प्रधान तिवारी जी हैं उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं कंबल वितरण करने में। इस तरह के चुनावी माहौल हम आपको दिखाने का सीधा काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। एक तरफ ममता सिंह अपने संगठन से जुटी हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए नजर आई तथा बीच में ही संबोधित करते हुए भावुक हो रो पड़ी। आइए देखते हैं वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे भास्कर प्लस न्यूज में। और आज हम आ चुके हैं कुशीनगर जिला के सुकरौरी ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा सुखड़ में, जहां पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये भीड़ जो लगी हुई है। कुमारी ममता सिंह जिला पंचायत सदस्य जो कंबल का वितरण कर रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लोगों का यहाँ पे किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। और इसी भरी ठंड से बचने के लिए यहाँ पे ये कंबल का वितरण किया जा रहा है कुमारी ममता सिंह के द्वारा। आप देख सकते हैं लोगों को जो ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद। अपने हक और हकों की लड़ाई खुद नहीं है और यू आई चले गए, लेकिन यह लोग ऐसे कि प्रभाती जी, सरोज आप इधर आगे लगभग मैं 6 या 7 क्लास में थी, तो मेरी जिंदगी उस 1 रुपए ने मेरी जिंदगी बदल। ऐसे एक प्रोग्राम लगा हुआ था मेरे गंगेश सर जो मुझे कोचिंग पढ़ाया है, आप तो क्या प्रोग्राम लगाया गया, मैं भी बाहर नहीं भेजना चाहते। एक मंथ मैंने इंग्लिश गोरखपुर से पढ़ाई की और वैसे करते करते यहाँ पे आ गई। मैंने 3 डेज, एक हमारे है, अब तो किसी से बात करने से नहीं झुकती है, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मैं आपसे सीधा निवेदन करती हूँ, मेरी माता है, मेरे बहनों, जो लोग ये कहते हैं कि छोटे बिरादरी के लिए लड़ के दिख जाते हैं और सब हमारे आचर लगाते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मैंने आपके लिए अपना घर द्वार छोड़ा है, आपके लिए राजनीति में आई, मेरे ऊपर मेरे शरीर पे अंकुश लगाया जाता है, रात बिरात चलती हूँ, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। ये मेरी माता है, अपने घर में मुझे छुपा लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माता है, आपके लिए मैं दिन रात लड़ने आई हूँ। और जिससे आप लोगों ने मुझे घर में छुपा लिया, इतिहास बदल दिया कि लोग और सब चल रहे, मुझे तुम्हारा साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साड़ी नहीं चाहिए, मैंने एक अपनी बेटी को अपने घर में छुपाया, उस दिन देखिएगा आपका मैं इतिहास में नाम आता है। पर उसके पहले के लिए कुछ भी पैसे नहीं है, हाँ, लेकिन माँ सरस्वती ने एक ताकत दे दी है कि अगर आपके ऊपर कोई आशा ना दे और मुझे फोन कर आपका कौन एसपी कौन डीएसपी कौन काम रखेगा, मैं इस काम को करके दिखाऊंगी। अगर आप लोग पीछे से खड़े रहोगे तो आपकी नेता आगे रहेगी। सर कहते हैं आंधी है या तूफान, दिया हम जलाएंगे, कांटे भरी राहों में फूल हम बिछाएंगे, जनता के इस दुख दर्द को सीने से हम लगाएंगे, सीने से हम लगाएंगे। मेरी माताएं, अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी माताएं भी कुछ रोने लगी है, मुझे भी रुलाई आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। माताएं, मेरी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। का शुभारंभ हो चुका है, प्रोग्राम में रेणु देवी मिथिले करके आए थे, दिखाए हैं आपको कि ममता सिंह के द्वारा कंबल का वितरण ग्राम सभा सुखड़ में हो रहा था। और यहीं पे इसी कंबल वितरण में सहयोग रहा यहाँ के ग्राम प्रधान जी का, पवन तिवारी जी का। आइए इनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं इनसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भाई प्रधान जी आपका। जी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये ममता सिंह से आपसे परिचय कब हुआ? जैसे देखिए, ममता जी से परिचय बहुत पहले से है, ममता जी हमारे साथ की क्लास फेलो भी रही हैं। अच्छा, मेरे साथ पढ़ी हैं, तो बोली कि देखिए भैया जी, मैं आपके ग्राम सभा में एक कंबल वितरण का काम करना चाहती हूँ। तो हमने बोला कि ठीक है, आप कंबल बांट सकती हैं जी। तो भैया, आप यहाँ के ग्राम प्रधान पहली बार हुए कि इसके पहले? जी जी, मैं पहली बार हुआ। जैसे आप बहुत बहुत ही कम उम्र के हैं, तो हम जानना चाहते हैं थोड़ा कि आपने ऐसी कैसे क्या मुद्दा उठाया था शुरुआत में पीछे थोड़ा सा जाना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ मुद्दा नहीं उठाया था,
मैं जब पहली बार 2015 में चुनाव लड़ा तो मैं विकास के नाम पे आया और मैं अपने गांव में विकास भी खूब किया। तो थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या क्या विकास आपके द्वारा आपके ग्राम में हुए हैं उसके बारे में। देखिए, मैं जब शुरू में प्रधान बना तो मेरे ग्राम सभा का एक टोला है हरपुर सुखड़ का टोला अकटहवा, वहाँ पे न बिजली थी न नाली थी न वहाँ पे इंटरलॉकिंग थी, वहाँ पे एकदम जीरो के बराबर था। मैंने उस टोले पर बिजली लगवाया, इंटरलॉकिंग करवाया, 350 मीटर की लंबी नाली भी बनवाया जी। तो इस समय वहाँ पे सारे ये इंटरलॉकिंग वगैरह की सारी सुविधा आपने करा दी? जी जी जी, बस केवल 50 मीटर इंटरलॉकिंग कराना है और बजट नहीं मिल पाया, कार्यकाल समाप्त हो गया। आगे की चुनाव की प्रक्रिया यही है कि मैं विकास किया हूँ, विकास के नाम से मैं फिर मैदान में आऊँगा। जैसे देखिए, कुछ काम बाकी रह गया है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लोगों का काम नहीं करा पाया हूँ, जैसे मान लीजिए अकटावा टोला पे मैंने नाले बनवा दिया, पोखरी में पानी नहीं गिरवा पाया, वो काम कराना है। ऐसे ऐसे लेके कुछ मुद्दा रह गया है, छोटा ग्राम सभा है, बहुत कम बजट मिलता है, उसी में सारा काम कराना है जी। वो अकटावा टोले पर बिजली नाली और अपने ग्राम सभा में जैसे मान लीजिए पीठ हरपुर सुखड़ में जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे PWD से सड़क बनवाना, शौचालय बनवाना, नाली बनवाना जी, राशन कार्ड बनवाना, यही सब की समस्या। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो भरपूर विकास करना चाहा और विकास भी किया, लेकिन जो कुछ भी कमी रह गया है अब आने वाले समय में मैं विकास करूँगा। मेरी योग्यता BEd है जी। जैसे देखिए, यह जनता का निर्णय है, जनता अपना निर्णय सोच समझ के भी लेगी और मैंने विकास किया हूँ, विकास के नाम पर मैं आऊँगा। मेरे ग्राम सभा में लगभग मान के चलिए 6 किलोमीटर तक का PWD से सड़क बना है, 1 किलोमीटर का CC रोड बना है लोहिया के माध्यम से, उसके बाद विधायक निधि से, ग्राम पंचायत निधि से इंटरलॉकिंग भी हुआ है मेरे पूरे ग्राम सभा में। ये सुंदरीकरण हुआ है, इस टोले पे नहीं हुआ, अकटावा टोले पे हुआ है। हर गांव की एक समस्या आती है सर, पेंशन। जी जी, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी ग्राम सभा में अभी तक कितने लोगों का पेंशन बना है? मैंने देखी अपने ग्राम सभा में अब तक मैं 72 पेंशन बनवा दिया हूँ, 72 लोग मेरे माध्यम से 72 लोग पेंशन पा रहे हैं, और जब अगला मार्च वाला पेंशन आएगा उसमें लगभग 120 लोग और पा जाएंगे।